नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, गाय को भूल कर भी मत खिलाना ये तीन चीजें। घर में आती है गरीबी, माँ लक्ष्मी छोड़ देती है साथ और हाथ। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहाँ पर विघ्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं तो वहाँ पर गाय पालना संभव ही नहीं है, लेकिन गाय को वहाँ पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है, तो कौन सी वो तीन चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ, इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति ऐश्वर्य बढ़ता है, कष्ट शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान है वह गाय को रोटी पर थोड़ा शक्कर रखकर खिलाएं, खत्म हो जाती है सारी टेंशन, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं, गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, बेस्ट छुए तो आपकी मन्नत पूरी होगी। तो दोस्तों, ये था कि गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में, लेकिन गाय को क्या ना खिलाएं अब हम वो जानते हैं। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एक दिन की पहले बनी रोटी होती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिलाते हैं वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं है तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए, इससे घर में परेशानी आती है। और आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल ले, इससे घर में तकलीफें आती है। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है, हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाना। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है तो उसमें कुछ अच्छी चीजें तोड़कर आप रख लेते हैं, बचा कुचा आप गाय को ना खिलाएं। आप जो देंगे गाय तो वो खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए, आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ, परंतु गाय को भूल कर भी मत देना। तो तीन चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए, एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए, कोई भी अनाज बच जाए तो उसे दूसरे दिन गाय को ना खिलाएं, जैसे बासी चावल, बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। अगर आप चारा खिलाते हैं तो सड़ा गला मत खिलाइए, और अगर खिलाते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला के गाय को खिलाएं। गाय को दूध भी नहीं पिलाना चाहिए, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलानी, नहीं तो घर में गरीबी आती है, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशकुन नहीं होता, जिस भाग पर मकान बनाना हो तो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी असुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों, गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप अगर आप जाते हैं तो कई संक्रमण जैसे सर्दी, जुकाम आदि आश्चर्यजनक रूप से अपने आप ही बिना दवाइयों के खत्म हो जाते हैं। अगर आपको गाय अचानक पूंछ मार देती है तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंच गाय जो होती है वह कई रोगों में लाभदायक है। पंच गाय के दूध, दही, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर के रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंच गायों से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने के बजाय उनका सही उपयोग करने की बजाय उन
उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद ये सुनकर आपको बुरा तो जरूर लगेगा, पर ये सच है। और गाय को रोटी देने से ना केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मॉडल युग में जहां लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन है और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी तो दे ही सकते हैं, कम से कम रोटी देकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन समय के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते हैं तो जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन विदेशों में रहते हैं तो उनको गाय नहीं मिलती है, वह पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप गाय के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर जब आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान कर दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गाय के नाम की रोटियां खिलाएं, या फिर किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएं, किसी वृद्ध आश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों, हमारे देश में कई जगह देखा गया है कि और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या ये सही है या गलत। हम झूठा खाना बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वह गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें, रामायण काल में गाय माता को एक श्राप मिला था, उसी वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है, यहाँ तक कि गाय पॉलिथीन भी खाती है। हालांकि ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें कि वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वह जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माँ पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध क्रम करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता माँ घबराने लगी, तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फाल्गुनी नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फाल्गुनी के साथ वट वृक्ष केतकी और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंडदान बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के नियमित पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में जब भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसलिए राम जी ने सीता माँ से उसका प्रमाण मांगा। तब सीता माँ ने कहा कि जो फाल्गुन नदी के रेत है, केतकी के फूल है, गाय और वट वृक्ष है, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फाल्गुन नदी, गाय और केतकी के फूल, ये तीनों इसको मुकर गए और उन्होंने कहा, सीता माँ झूठ बोल रही है, सिर्फ वट वृक्ष ने ही सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करी। दशरथ जी ने सीता माँ की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की थी कि एंड वक्त पर सीता ने मुझे पिंड दान कर दिया। इस पर राम आश्चर्य हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया और फाल्गुन नदी से कहा कि जा, तेरे नाम सिर्फ नदी में रहेगा लेकिन तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे कि जो लोग जानते हैं, फाल्गुन नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। वहीं गाय को श्राप दिया कि तू पूजे होकर भी लोगों का झूठा खाएगी और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता माँ ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेगी। यही कारण है कि केतकी के फूल को पूजा से दूर आज भी रखा जाता है। फाल्गुन नदी के तट पर जल नहीं है, सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गाय माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं और पितर का निवास होता है। अगर आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, कहीं जाकर के ग्रह दोष का उपाय नहीं कर सकते, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं कि पहली रोटी गाय को अगर आप भी खिलाते हैं तो आप दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय को निकाल दे, इसके बाद ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिलाएं, इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन सने हुए आटे की लोई बना ले और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दे, आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति तथा शक्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि आपको मिनटों में हासिल हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह आपको नमक का एक उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है, और साथ ही साथ अगर नमक ना हो जीवन में तो स्वादहीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को जरूरी मानते हैं, उतना ही ज्योतिष में नमक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। किसी का नमक खाना क्या होता है? उसका कर्जदार होना। आपने तो सुना ही होगा, नमक का कर्ज अदा करना है। इसलिए अगर आप जीवन को सुगम बनाना चाहते
चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का एक आसान सा प्रयोग आपको हम बताएंगे। आप देखेंगे कि कितने पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे और ये उपाय इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख दे। दोस्तों आप भी पूछेंगे कि कौन सा नमक रखे, तो सबसे बेस्ट है कि आप सादा नमक, डेली वाला नमक, सस्ता नमक जो भी है आप रखे। काला नमक नहीं रखना है, आपको सफेद नमक ही रखना है। तो नमक रख लें और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय को आपको दे देना है। कपिला गाय यानी सफेद रंग की गाय को आपको खिला देना है। अगर आपको कपिला गाय यानी कि सफेद गाय नहीं मिलती है तो आप ये रोटी किसी भी गाय को खिला दे, आपको बता दे। उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपको घर में कोई बड़ी मुसीबत हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, सब खत्म हो जाता है। इस उपाय को करके आपके घर में सुख का वास होने लगता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, करियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन से दूर होने लगती है। लेकिन गाय को रोटी देते वक्त मन में ऐसा कोई भाव ना ला कर रखे कि हम रोटी खिलाते हैं तो हम बहुत बड़े दानी हैं, अन्यथा इस स्थिति में फल की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा अपूर्ण माना जाता है। बुरे भाव से गाय को रोटी देने से बुरा ही फल प्राप्त होगा। गाय को रोटी खिलाने से बरकत के अलावा आप देखेंगे कि धन संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगती है और आपके ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपके घर में धन की कमी है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय आप किसी भी दिन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय गौ माता की, जय माता दी। गौ माता के लिए एक लाइक तो बनता ही है।